हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज़ मी नैना। एंड आज मैं आपको जी सॉल्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड सेलेंट फीचर्स, जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कवर आपका। आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई रियली होप यू लिसन इट केयरफुली, बिकॉज ये मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए ही बनाया है। सबसे पहले जी सॉल्ट को समझने के लिए हमें ये पता करना है कि ये है क्या। तो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है। मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, मेटल का एल्कीन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अभी देखो, जी सॉल्ट जो है, हम मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए जी सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि मेटल ने एल्कीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। ओके, सो हमारे पास इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। सबसे पहले जी सॉल्ट का, दैट इज के पी टी सी एल थ्री पाई सी टू एच फोर। देखो, इससे घबराना मैं इतना बड़ा देख के, नॉर्मल सी बात है। ये एक सिंपल केटाइन है, के दैट इज पोटेशियम, और ये हमारे पास एनायन है जो कि कॉम्प्लेक्स एनायन है, दैट इज पी टी प्लैटिनियम सी एल क्लोरिन इन पाई सी टू एच फोर। मतलब कि इसने एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, प्लैटिनियम ने डायरेक्ट एल्कीन के साथ, थ्री क्लोरिन के साथ और एक एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कि हमारे पास क्या बन गया, आयनिक कॉम्प्लेक्स। कैसे, के पॉजिटिव और ये होल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, जैसा कि अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, के पॉजिटिव एंड पी टी सी एल थ्री पाई सी टू एच फोर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इसको टू कर लेंगे, दैट इज के टू पी टी सी एल फोर लिया हमने। ओके, और प्लस हमने क्या कर दिया, इसमें इथीन को ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद एक के सी एल निकल जाएगा और बाकी जो है ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। देखिए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ओके गाइस, क्लियर है? आई रियली होप आप सबको एक क्लियर है। और उसके बाद एक मेन चीज़ है कि अगर हम इस प्लैटिनियम को पैलेडियम से भी रिप्लेस कर दें, इफ प्लैटिनियम इज रिप्लेस्ड बाय पैलेडियम देन ऑल्सो इट रिमेन्स जी सॉल्ट, तो भी ये जी सॉल्ट ही रहेगा। लाइक अगर यहाँ पर क्या हो, के पी डी सी एल थ्री पाई सी टू एच फोर भी हो, तो भी हमारे पास ये क्या रहेगा, ये जी सॉल्ट ही रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं गाइस। स्ट्रक्चर जो है वो इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और देखिए ये मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको ओलिफिन भी बोलते हैं। ओके, सो ओलिफिन बिकॉज ये है मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देखें तो के पॉजिटिव का के तो एज इट इज, उसके बाद जो पी टी है उसने सी एल थ्री बना रखा था। इफ़ यू रिमेंबर, पी टी ने सी एल थ्री बना रखा है, तो थ्री बॉन्ड्स क्लोरीन के साथ और एक बॉन्ड किसके साथ, इथाइलिन के साथ। ये देखिए सी एच सी एच। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम। जी सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि आपको पता, मैंने अभी बताया कि इसका स्क्वायर प्लेनर टाइप का है ये, तो स्क्वायर प्लेनर जो इसका कॉम्प्लेक्स है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ही क्या है, डी दैट इज अंदर की साइड है, तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये। ठीक है, तो ये तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ क्या है, प्लैटिनियम जो है वो इसमें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ओके, ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें अनपेयर्ड नहीं होता वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो, और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो ये सब के सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है गाइस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ये समझ आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जितने भी आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये हमारे पास है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, ये कौन से हैं, ये है हमारे पास डी एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी ब्लू से हमने डिनोट कर रखे हैं ये चारों, और जो ये ब्लैक से हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो जितने भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें तीन तो तीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। ओके गाइस, क्लियर है आप सबको, ये सिग्मा है तीनों के तीनों बॉन्ड्स। और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है,
ये हमारे किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हमारे पास एल्कीन के साथ हमारे बॉन्ड बनाएगा। अब आप एक बार एल्कीन का डायग्राम समझ लीजिए, देखिए एक सेकंड यहाँ पे कुछ रह गया है ऐसे ऐसे। ये जो हमारे पास ये है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो हमारे पास दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और एक कार्बन कार्बन, ये चारों के एक दो तीन चार पाँच, ये सारे सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और एक जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो मतलब उसमें से एक तो कार्बन कार्बन सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो इधर शो कर रखी है, क्योंकि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड और एक इस कार्बन का, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रखी है। अभी ये जो वेजो डैश है ये क्या शो कर रखा है कि जो हाइड्रोजन है, वैसे तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेम प्लेन में है, पर जो हाइड्रोजन है एक बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है। अभी अभी ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पाई, मतलब पाई बॉन्डिंग जो है यहाँ पे, और इससे जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो ये लीगेंड है ये इसको डोनेट कर रहा है अपनी डेंसिटी। देखिए जैसे मैंने आपको पूरा डायग्राम बना दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग विद एल्कीन, तो जो ये पाई डेंसिटी है ये इसको दे रहा है, मतलब कि लीगेंड जो है, ये लीगेंड है C2H4, ये मेटल को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी जो पाई डेंसिटी है इसको ये डोनेट कर रहा है। और क्या कर रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास चारों के चारों, इन्होंने तीन सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाए हैं, और फोर्थ सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाया है हमारे पास, एल्कीन के साथ, ओके। अब उसके बाद जो हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये इधर बैक बॉन्डिंग शो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देंगे, ओके। ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं जिनको ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे देंगे, ये बैक बॉन्डिंग ऑफ एल्कीन बोलते हैं इसको। और ये क्या कर रहे हैं, मेटल से लिगेंड की तरफ डेंसिटी जो है वो दी जा रही है, ओके गाइस। तो मैंने ये आपके लिए लिख दिया है कि जो मेटल से लिगेंड की तरफ होता है वो बैक बॉन्डिंग हो रही है, और जो लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है वो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, ओके। आई रियली होप आप सबको इस स्ट्रक्चर समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारी बैक बॉन्डिंग को, ओके। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जैसे कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास मेटल की, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, जैसे कि हमारे पास -2, -1, 0, जैसे लोअर, जितनी ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसीलिए इसकी जो बैक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी,